जनाब अकरम साहब ने कहे हदीस जो पेश की है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला की कि वो कंगन मारा करते थे जो हर ऊंच नीच पर जो है रवैदैन ना करता था उसके बारे में जो है अहले हदीस हजरात के बुजुर्ग इमाम इब्न हज़म इनका नाम जो है पूरा वही है कि अबू मोहम्मद अली बिन अहमद बिन सईद बिन हज़म कुंदलसी ये जनाब दूसरी जल्द है और सफ़ा जो है 265 है काल आली यानी अली से मुराद जो है इतने हज़म है कहते हैं कि माँ काना इतने उम्र सबो मन तारा का माल हूँ तारा का हूँ कि इमाम के हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला उनका ये तरीका नहीं था कि आप जो है तर्क करने वाले को जो है वो कंकड़िया मारते आपका जो है ये तरीकेकार नहीं था और वो इस सजिश का इंतजार कर रहे हैं और फिर आप देखें कि मैंने जो है फिर पहली बात पर लौटता हूँ आपने मुसनद उमैदी का नुस्खा जो है पेश किया मुसनद उमैदी में आपने ये दावा किया कि मुसनद उमैदी के अंदर रकू जाते और रकू से उठते वक्त जो है रवैदैन का जिक्र है जबकि मैंने कहा कि आपने जो तर्जमा किया रकू जाते और रकू से उठते वक्त रवैदैन जो है सरकार करते थे तो आपने जो है उसमें यरफाउ माँ का तर्जमा जो है करते थे लेकिन यरफाउ माँ के अल्फाज नहीं दिखाते थे और फिर उसके बाद आपकी बात करो आप भी बात कर सकते अच्छा नहीं की बात है कि माना तरकीब से मास्टर साहब प्रोफेसर साहब और रकू से उड़ते वक्त आप कहते हैं करते थे हाजी जबकि मैंने कहा कि रमजान के गम दिखा दो यार बहुआ वो आप नहीं दिखा सके अब आपका सदर मुमारे ये कहता है कि ना मैं हम तरकीब से साबित करेंगे तरकीब करो इसका मतलब तरकीब से साबित जो है वो असल लफ्ज नहीं है आप हदीस में जो है असल लफ्ज दिखाए यार बहुआ जिस तरह मैंने आपको ला यार बहुआ दिखाया अजी जब असल अल्फाज नहीं दिखा सकते तो मुसलमान उमैदी का वो कल भी नुस्खा जिसको आप सही कह रहे हैं और उसमें उसके अंदर ये बात मौजूद नहीं है लोगों को तरकीब का इलम नहीं आप इसका उर्दू में तर्जमा करते हैं हम करते हैं आप पास करते हैं या आप इसका हदीस का लिखे हम पास करते हैं इनके सामने प्रोफेसरों के सामने रख दे इसका ताल्लुक किधर है उर्दू में लिखे औरों के सामने रख दे फैसला ना होगा मैं देता हूं आप इलाजी जमात जो है पहले वो रफा यदै यानी है अब उसके बाद जो है इजा की गजा जो है वो कोई नहीं है आप इजा की गजा कहते हैं कि यरफाउमा अगर यरफाउमा है तो आप यरफाउमा ये दिखाएं तेरे भाई जैन करते तेरे को जाते और तुझे उससे बात जब आप जो है ये नहीं दिखा सकते फिर उसके बाद अपने कलमी नुस्खे के अंदर दिखा सकते और
इस्लाम की जवाब जो है वो नहीं दिखा सके। अगर इस्लाम की जवाब जो है मौजूद है तो आप दिखा दो, आप सच्चे मैं झूठा। और आप ये मैंने करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब रुकू जाते और रुकू से उठते वक्त जो है भाई जब क्या आप देखेंगे मैं मुसरत अबू अभी उमामा में जो है यही हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से जजा दिखाई है ला यरफऊ मा यही ये अल्फाज आप फायदा अरादा यरफा वफादा मा यरफऊ रासहू मिनर रुकू में जहाँ तक मुसरत हुदैदी में जिक्र है। आगे जो है यरफऊ मा का जिक्र नहीं, यरफऊ मा का मतलब है आप जो हाथ उठाते थे जबकि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि ला यरफऊ मा नहीं उठाते थे। हाँ जी ये जनाब मुसनद हुमैदी का जो है ये आप सवाल बताएंगे। हाँ जी ये सवाल बनते है। हाँ जी सही अबू माना आप इस तरह जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ मुलाजा इस बात पर खत्म हो जाता है। आप जो है ये जजा जिस तरह ला यरफऊ मा मैंने दिखाइए आप ये यरफऊ मा की जजा दिखा दें आप जीते मैं हारा। ये ना करें दामन बार बार बोले लेकिन मैंने ये बताया था ये जो इन्होंने मुस्लिम महदी की बात की हमने ये साबित किया आपने ये पहले कहा है कि इब्ने हज़म ने उसका इनकार किया है वो तंज़ीम वाली रवायत का पहली बात ये इब्ने हज़म उसका सबूत आपने कोई पेश नहीं किया किस वजह से इनकार किया किस वजह से इनकार किया है इब्ने हज़म ने इनकार की वजह उसकी संत के बारे में बात बताए किस वजह से किया है ये जो रवायत है बिल्कुल दुरुस्त है कि वो जो रमन जैनी करता था उसको कैंकरी हमारा करते थे। और अगली रवायत जो ये मैंने पहले रवायतें भी शुरू में पेश की थी वो बुखारी और मुस्लिम की थी मैंने 8 रवायतें पेश की थी। अब इसके आगे चले ये जो मुस्लिम हदीस के बारे में जो सवाल हमने किया इसमें सनद में भी तारीफ की लफ्जों में भी तारीफ की और करके मुंतब करने की कोशिश की। आपके बुजुर्ग इसको जिन्होंने 1.5-2 साल इसको पेश किया वो पेश करना छोड़ गए पहले भी आपके किसी बुजुर्ग ने आज तक बता दे जहली में या किसी और आपके इमाम में उन्होंने रवाई जैन के नबी में कभी यह रवायत पेश की हो हालांकि वो बड़े मुतसर थे इस मामले में उन्होंने रवाई जैन की किताबें भी लिखी। मतलब यह है कि जब इसमें गड़बड़ की इस दौरान में फिर आपने ये पेश करनी शुरू की आज के दौर में और आज के दौर के लोग छोड़ गए जब चोरी पकड़ी गई उसकी सबूत हमने पेश कर दिए। आगे चले मैंने शुरू में बताया था और ये आपके इमाम अहमद रज़ा खान बताते हैं अभी हवाना का जवाब दे सुन ले अभी मत बोले यार आगे चलना है यार मेरा डांटा खा रखे यार ये टाइम काटे से ये बात है ये आपकी जब बात चलती है तो दरम्यान में शोर करते हैं बात है अबू आना भी बात करता हूँ आगे चले चलो ठीक है तो अबू आना सुनो अबू आना सुन लो ये अबू आना की जो रवायत पेश करते हैं उन्होंने जो रवायत जान का बाप बताया है उसके बारे में सुन ले कि है क्या ये खालिया ये इमाम अबू आना जो है वो ये रवायतें रमानी जैन की पेश कर रहे हैं 8 रवायतें उन्होंने लिखी है ये धोखा यहाँ नहीं होता चलेगा जिस तरह आपके बड़े जो है मुस्लिम मेहदी को पेश करना छोड़ चुके हैं नाजरों में इसी तरह अबू आना को भी छोड़ चुके हैं। और सच्ची बात यह है न मुस्लिम मेहदी आपकी तारीफ करती है उसमें आपने लफ्जों की गड़बड़ की कहीं सनद में की और ये जो अभी वाना है इसमें आपको समझ ही नहीं आई ये रवायतें क्या है 8 रवायतें हैं। सुनो पहली रवायत जो है वो है इस रवायत पर अबू आना जो बाप आता है इस बाप वो कहते हैं बाप रवाजैन की सलाह नमाज के शुरू में रवाई जैन करना कबल तकबीर बेजाय मरतबे तकबीर से पहले रवाई जैन करना कंधों तक वाले रकू में और रकू में वाले रफ रासों में न रकू और रकू से सार उठाते वक्त ये न रकू वरना लाई और वो बहना सजा दैन और सजदों में वो रवाई जैन नहीं करती ये बाप बंदा है अबू आना ने जिनके बारे में ये सुन ले हजरत साहब बाद में आपने क्या है सब जारी तो है इन्होंने कहा है अबू आना की बात नहीं की मैं अबू आना क्या बात कर रहा हूँ ये मुसरत को तो आप गैर छोड़ रहा है आप अबू आना को छोड़ने वाले हैं ये सुनो उन्होंने रवायतें पेश की 8 पहली रवायत बता क्या करते हैं जब तक क्या चलाते हैं ये रवायत जो है इसमें रवायत उन्होंने दर्ज कर रखी है कि इज़ा तता सलात रहा ही रहे हत्ता यहाँ मकाल आबाद हजवा मंतबे
ये वो कहते हैं कि जब नमाज शुरू करते हैं तो रवाई जाया करते हैं दोनों के साथ बाद में कहा कि वो अपने कदों तक उठाते रुकू और जब वो इरादा करते थे रुकू का और जब रुकू से उठने का यहाँ तक है ये पहले की जगह आगे है लायरफा बाद में वो ला नहीं दोनों उठाते थे और बाद में कहा कि वो नहीं करते थे हाथ उठाते थे काबल बैन साझा रहते हैं सजदों के दरमियान वल माना वाहिद और इसका माना एक ही है आप लोग ये ना फलायरवामा मिनर रुकू से पहले किसके साथ पीछे लगाते हैं ये पीछे नहीं लगता और इसका ये सबसे बड़ा सबूत यही है कि वो रवाई जैन करने के सबूत में रवायतें पेश कर रहे हैं और आप उसको नबी में ले रहे हैं और फिर उसके आगे एक ही नहीं उन्होंने आठ रवायतें पेश की हैं अगली वो कहते हैं तो मैं आठों की आठ एक बार देता हूँ ये रवायतें मेरे पास दर्ज हैं जिन्होंने उन्होंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते जब रुकू से सर उठाए मैं अगली रवायत पढ़ रहा हूँ तो मोटों के बराबर रवाई जैन किया करते सजदों के दरमियान ऐसा नहीं करते अगली रवायत में है इब्ने उमर से वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते हमेशा मोटों को बराबर रवाई जैन करते फिर आप अल्लाह पर कहते जब रुकू का इरादा करते और रुकू से सर उठाते तो भी रवाई जैन करते जब सजदों से सर उठाते तो ऐसा ना करते ये भी है किससे हद्दा सुनी ने शहाब अन सार अन इब्ने उमर कहा रहे ये वही है अब ये वाना की मैं रवायतें पेश कर रहा हूँ सारी की सारी एक रवायत को आगे पीछे करके लफ्जों को हाँ अभी आप बता सकते ठीक है अभी आप कहीं कर आप ही कर लेंगे और उसके बाद ले जाओ मोहम्मद उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रसूल करीम मेरे भाइयों ये जनाब मैंने जवाब दावा के हवाले से मुतालबा किया था कि कोई सही सही मरफू मुत्तसिल गैर मुस्तरिक और कौली हदीस जो है वो नहीं है और मैं अपना दावा जो है कि हवाले से जवाब दावा के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जनाब इन्होंने मुस्लिम हुमैदी के हवाले से बात की और उसमें यरबोमा के लफ्ज जो है वो नहीं दिखा सके या फिर तर्जमे में बार बार जो है वो दिखाते रहे तर्जमे में बार बार बयान करते रहे टेप को आप जो है ऑन करें और पीछे लौटा कर आप जो है देख सकते हैं कि उन्होंने बार बार तर्जमा यही किया कि खुद जाते रुकू से उठते वक्त रवाई जैन किया जबकि रवाई जैन के जब लफ्ज कहे तो इन्होंने जो है बयान नहीं किया हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला की हदीस जो है मुस्तरिद है हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप ये है कहीं तो फरमाते हैं कि हर तकबीर के साथ रवाई जैन करते हैं फजल मुगीस जिल्द 3 जिल्द 2 सफा 223 और फिर जो है ये भी इन्होंने जो है मुस्लिम हुमैदी से जो हदीस पढ़ी है कि हर जो है आप ऊंच नीच पर जो है रवाई जैन कर ना करने वाले को जो है कंकड़ियाँ मारते थे अब हर ऊंच नीच में जो है सजदा भी शामिल है सजदों के और फिर जो है इमाम तहावी अपनी मुश्किल आसार में ये रवायत बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर हर ऊंच नीच और रुकू और सजदा और क़याम और कऊद और दो सजदों के दरमियान रवाई जैन करते थे ये जनाब तिब्रानी और पहली सफा 39 इसमें जो है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रवायत है कान जरफो यदा है इन तकदीर लिरबुए व इन तकदीर याबी साजिदन के जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफी दैन करते तो आप रुकू की तकदीर के वक्त करते और सजदों की रफी दैन सजदों जाते हुए जो है आप रफी दैन करते और फिर जो है चौथा इस तरह ये है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो सिर्फ पहले सजदे में करते कान यरफाउ अन इब्न उमर अन्नहु कान यरफाउ यदैहि इज़ा रफअ रअसहु मिन सजदतिल उला कि आप पहले सजदे में जो है रफी दैन करते थे पांचवा इस तरह कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रावी हैं और वही कहते हैं कि जनाब सजदों से खड़े होते वक्त जो है रफी दैन इमाम बुखारी जो है उनकी जुज रफ उसके अंदर अंडा वाह उतारा राफा रासम सुजूदे वाइदा अरादा ये कुमा राफा यदे है कि जब मेरा बाप जो है वो इन हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब जो है आप सजदों से सर उठाते रफाई दान करते और जब आप इरादा करते उठने का सजदों से तो उस वक्त भी है आप रफाई दान करते छठा इस्तराब जो है ये है कि रुकू से उठते वक्त जो है रवाई दैन का जिक्र जो है जिस तरह ये बुखारी शरीफ में है और ये बुखारी शरीफ की पहली और सफा को सातवां जो है इस तरह की है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर सजदों में रवाई दैन जो है ना करते थे जिस तरह जो है मैं इमाम नसाई का जो है नसाई शरीफ की पहली सफा 120 उसके अंदर जो है बराज फारुख दाने का किस हुजूद
सैकड़ों में रफाइजन न करते थे और बैनर सैकड़ टाइम के पास भी आते हैं बारह और आठ बजे है हजरत अब्दुल्ला बिन रफी जाते रफू से उठते वक्त जो है रफाइजन न करते थे। जिस तरह अबू अवाना का मैच है हमारा देश कर चुका हूँ कि ला यफ़हू मा हाजी। अब आप देखिए नवा जो है इस तरह यह है कि आप तकबीर तहरीमा के अलावा कहीं रफाइजन करते हैं अब्दुल्ला बिन रफाई करते हैं अंत में भी सल्लम का नजर को इधर पता सलात सुम्मा ला यहूदो फिर आप जो है फिर रफाइजन करने करने के लिए नहीं लौटते थे। और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा गया कि जनाब रफाइजन जो है आपने फरमाया कि मैं रफाइजन करते देखता हूँ आपने कसम उठाकर कहा कि वल्लाही इन्नहा लबिदअतु इबादत कसम ये रफाइजन करना बिदअत है। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जनाब जो है दस इस्तराब है अब कौन से इस्तराब के जो है और मतलब इमाम मालिक ने इमाम बुखारी जो है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से जो है वो रफू जाते बयान करते हैं सुनो इमाम मालिक के अंदर जो है रफू जाते कतन कोई जिक्र नहीं बल्कि जो है रफू से उठते वक्त का जिक्र है ये ग्यारहवां इस्तराब। अब आप देखेंगे ग्यारह के नाम पर ग्यारह इस्तराब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके पीछे कोई शख्स लीजिए बोले ना आखिरी करना बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा सीधी सी बात है आप शोर नहीं होगा ना ये टाइम ना मेरा जाया तो आपने किया वो सबने सुन लिया बात सुनने कोई बात नहीं अगर होगी तो फिर रहना नई बात नहीं होगी पुरानी बातें कोई जो है नई बात हाँ जी लो जनाब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये करो हाँ जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना हमारा दावा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में रुकू जाते हुए रुकू से उठते हुए और तीसरी रकत के लिए भी उठते हुए रफा किया करते थे बुखारी शरीफ से दिखाया है मुस्लिम शरीफ से दीगर जिसकी किताबों से और सही तरीन किताबें और ऐसी किताबें क़ियाम रज़ा खान साहब लिखते हैं कि ये सिहा जबीला मशहूरा बुखारी व मुस्लिम के मुकाबला में ऐसी शवाज गरीबा अज़ाए कामला जिक्र करते शर्म ना आई। यानी वो कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम के मुकाबले में जो रवायत पेश करनी है ये काबिले शर्म बात है क्योंकि बुखारी मुस्लिम की जो रवायतें जब आ रही है रूहों की दुनिया उनकी किताब है जिसका नीचा देख ले। हाँ अगली बात ये है वो कहते हैं मुस्लिम मुस्लिम हजरत साहब ने मुस्लिम का लफ्ज बड़ा रखा है मैं सुनता था बड़े दिनों से कि मुस्लिम बड़ा वो कहते हैं लेकिन पूरी टर्नों में ये मुस्लिम की तारीफ नहीं कर सके। मैंने टर्न में कहा था पीछे देख रहे कि जनाब मुस्लिम की तारीफ तो करते कहते किस पर नहीं बयान कर सके ये जो आप इख्तलाफ बयान करते हैं ये इख्तलाफ तब काबिले गौर होता है जब ये सही हदीसों में इख्तलाफ आए एक हदीस ही सही नहीं एक गैर सही है गैर सही का इख्तलाफ ये जो सजदों में करते थे अब ये भी मान गया कभी रुकू की नहीं मानते थे अब कहते हैं इसमें तो सजदों की भी है जो गया चलो तुम सजदों की कर लिया करो हम पता है क्यों नहीं करते सजदों की इसलिए ये बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है सजदों में नहीं करते थे। अब अगर किसी हदीस में आके सजदों में करते थे वो हदीस सही नहीं है बुखारी मुस्लिम के मुकाबला आई है इसलिए और उसकी संतों में देख लें बिल्कुल वो सही नहीं सजदों वाली इसलिए नहीं करते अगर सजदों की एक भी सही नहीं समझ मिल जाए हम उस पर भी अमल करेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये जो तहावी की बयान किया इसकी तो सनद ही कोई नहीं बेसनद बातें यहाँ नहीं चलती अलहमदुल्ला मैंने हदीस बैठे हैं ऐसी बातें नहीं चलने देते। अब कहते हैं जी हमने इसमें इस्तराब की बातें
ये मौता में जो हम ये ये मौता की बात करते थे कि यहाँ मौता में नहीं, ये मौता पड़ रहे मुंह में, ये बात ये फिर जोर करते हैं, अफसोस की बात है। ये भारत इब्न शाहबान साहब हम इब्न उमर से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मौता जो बुखारी मुस्लिम के मुकाबला आप लोग भी मानते हैं सही तीन किताब और इसकी सारी तकरीबन इसमें बुखारी मुस्लिम में आ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। ये वही अब्दुल्लाह बिन उमर जिनके बारे में आप कह रहे नहीं करते थे, वो कहते हैं ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताना इज़ा तता सलाता रवा यदैये अज़बा बन कबैये माइज़ा तब्बर अल्लिन रकू शुरू में भी और जब रकू के लिए तकबीर कहते तो फिर भी माइज़ा रवा रास और मिनर रकू और जब रकू से हाथ उठाते इब्ने कासिम का या उसका तो रवा वा कसारे इसी तरह दोनों हाथ उठाते थे मकान अल्लाह या वलो जालिका फिस सुजूद सजदों में नहीं करते थे। तो ये जनाब ये मक्का इमाम मालिक का जो है ये है जब जरबा हुआ ये देखे यरबा हुआ आप कहते दिखाया नहीं यरबा हुआ ये अब्दुल्ला बिन उमर मक्का इमाम मालिक जी हाँ जी जालिम से ये देखे बड़े दिखाए उनको भी दिखाए नहीं उनको दे देने बोलने का ये अल्लाह की मेहरबानी से हमने बुखारी में दिखाया मुस्लिम में दिखाया सबसे पहली किताब मौता इमाम मालिक रहमतुल्लाह है उससे दिखाया और अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से दिखाया जिनके बारे में कहते कि वो करते नहीं थे ये जिसकी है ये तो हमने बताया ये जी मैं बताता हूँ मुझे पता है ये मौता इमाम सुन ले इसमें जो है उसमें जो है उसमें आप कहते हैं दो जगह की है वो दो जगह की भी आप नहीं मानते उसमें जो है ये एक शागिर्द की बात है ये दूसरे शागिर्द की बात इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी शरीफ के मुताबिक बुखारी शरीफ के मुताबिक उसमें वो कहते हैं कि जब इजाम तब्बारा जब तकबीर कहते रवैयान करते रुकू के लिए जाते रवैयान करते रुकू से उठते तो रवैयान करते मौता इमाम से दिखाया इब्ने कासिम से आइए तो ये जनाब ये भी रवायत है और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कहते हैं कि इससे ग्यारहवीं साबित होगी ग्यारह नंबर गेम का अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बाकी अपने दलायल इसी तरह साबित करते हैं हमारे इलाके में आपने एक मुनाज़रा किया ग्यारहवीं जी ग्यारहवीं भी मानते देखा जी खबर से हमारे इलाके में एक मुनाज़रा किया आपका वो कहते देखो जी ग्यारहवीं मानते ग्यारहवीं का सबूत तो घर में है कैसे जी ये चार पाई से कैसे चार पाए कैसे भाई आप शोर क्यों करते हैं शोर क्यों कर रहे हैं आप चुप करो
Thank you.